How are you? Today we are going to start exercise 3.10. First question is, estimate the difference by rounding off the number appropriately. यानी ये जो डिफरेंस है यानी जो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसे हमें एस्टीमेट करना है अप्रोप्रिएटली. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर राउंड ऑफ करने के 10 पर राउंड ऑफ करने के लिए गए वहां 10 तक राउंड ऑफ करेंगे, जहां 100 पर कहेगा वहां 100 के लिए करेंगे, और जहां पर 1000 तक प्लेस वैल्यू गई होगी वहां पर 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे. यहां पर कहीं भी इंडिकेट नहीं किया होगा कहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, 10 पर करना है या 100 पर करना है या 1000. राउंड ऑफ के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. जैसे यहां पर लिखा हुआ है 77 और यहां पर लिखा हुआ है 23. ये अगर देखेंगे केस वैल्यू कितनी तक गई, कहां तक गई, ये भी कितनी तक गई और ये भी कितनी तक गई, तो हमें राउंड ऑफ करना है कहां पर, 10 तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है या तो आपका आंसर 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए या 30, यानी 10 के मल्टीपल के रूप में, 10 के पहाड़े के रूप में. जैसे ये 77 है, ये 10 का मल्टीपल तो नहीं है, अगर ये 70 होता या 80 होता या 90 होता तो ये 10 के टेबल में होता, तो हम इसे किसमें बदलना है, 10 के टेबल के रूप में बदलना है. जैसे ये 77 है, अगर 77 को देखा जाए तो इसे हम 70 लिख सकते थे और इसे हम 80 भी लिख सकते थे, तो ये 10 के टेबल में होता. अब बात यह है कि हमें 70 लिखना चाहिए या 80 लिखना चाहिए. देखिए तो इन दोनों में से किसके नजदीक ज्यादा है, ये 77 80 के नजदीक ज्यादा है, इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 80 होगा. कितना होगा इसका राउंड ऑफ, 77 का 80 होगा. तो 77 हमारा बन जाएगा कितना, 80, और 23 कितना हो जाएगा, या तो 20 हो सकता है या फिर आप बढ़ाकर 30 हो सकता है. अगर 30 करेंगे तो देखो काफी ज्यादा दूर हो जाएगा, तो नजदीक कौन सा है हमारा, 20 है, यानी 23 हमारा बन जाएगा 40 और 77 बन जाएगा हमारा 80. अब ये हमारा एस्टीमेट हो चुका, इसका डिफरेंस बता सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा आंसर है. अगला प्रश्न ए इसका आंसर होगा. इसी तरीके से आपके बुक में बी भी दिया हुआ है, इसे भी राउंड ऑफ कर लेंगे. सी भी टू डिजिट का है, 10 केस वैल्यू तक है, 10 तक राउंड ऑफ करेंगे. जैसे सी में हम बता रहे हैं 59 है माइनस 24 है, तो बताइए 59 क्या हो जाएगा. ये देखो बिल्कुल 60 के करीब है, ये क्या होगा 60 होगा, और ये 24 क्या हो जाएगा, या तो 20 होगा या तो 40 होगा, दो में से एक होगा. तो ये किसी तरफ लगाना नहीं है, 20 की तरफ, 20 की तरफ, 40 नहीं होगा, क्योंकि 40 बनाने के लिए हमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे. कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6 की जरूरत पड़ेगी, और 20 बनाने के लिए हमें केवल 4 घटाने पड़ेंगे. तो देखो 4 बेहतर है या 6 बेहतर है, 4 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. आई बात समझ में, तो ये हमारा होगा 2 डिजिट का एस्टीमेटेड डिफरेंस. अब हम आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट पर आते हैं. जब 3 डिजिट होगा 1 से 100 तक है, तो अब हमें राउंड ऑफ करना है कहां तक, 100 तक राउंड ऑफ करना है. कहां तक राउंड ऑफ करना है, 100 तक. जैसे ये लिखा हुआ कितना 700 लिखा हुआ है, 700 टोटल अगर पढ़ेंगे 749 है, हमें राउंड ऑफ करके बनाना है 100 में, यानी 100 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए. या 700 हो या तो 800 हो या 900 हो या 600 हो, लेकिन उस 100 के साथ और कोई नंबर लगा नहीं होना चाहिए. जैसे ये लिखा हुआ है 749, तो ये दो नंबर हो सकता है, या तो इसे हम 700 ही रहने दें या हमें इसमें 100 और बढ़ाना होना चाहिए 800, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है किसकी तरफ, 100 की तरफ. अब ये 49 ये कितना है, अगर हम 700 बनाते हैं तो केवल हमें 49 माइनस कर देते हैं तो ये 700 हो जाएगा. अगर हम 800 बनाते हैं तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 51 जोड़ना पड़ेगा, तब 800 बनेगा और उसमें कितना करना पड़ेगा, 49. तो दोनों में किस में कम नंबर की जरूरत पड़ रही है, 49 की जरूरत पड़ रही है. तो इसमें क्या होगा, ये 749 क्या बनेगा, 700 बनेगा. तो 749 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा. 800 बनाने के लिए हमें 51 की जरूरत पड़ेगी और 700 बनाने के लिए 59 माइनस करना पड़ेगा,
51 से आसान कम है 49 को आराम से कर सकते हैं 51 के मुकाबले। इस वजह से हम 49 माइनस करके कितना आउट ऑफ करेंगे 700, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 700। अब देखो इस 100 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया और इधर माइनस है 371। बताइए 371 या तो ये 300 हो सकता है या ये 100 आगे बढ़ के 400 हो सकता है। 300 और 400 बताइए क्या होगा। इसके आगे लगा हुआ है 71, ये देखो 71 लगा हुआ है, इसे 100 और जोड़ दो यानी कि हो जाएगा 400, क्योंकि 400 की तरफ ज्यादा होता है। आई मेरी बात, अगर हम 300 बनाएंगे तो 71 हमें इसमें से माइनस करना होगा और 400 बनाने के लिए केवल 49 जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ, ये है 400 और इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये हो गया 100 प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से एक और हम देख लेते हैं 100 प्लेस वैल्यू 295 है माइनस 178, ये हमारा जी है। कौन सा क्वेश्चन है? जी है। अब देखो ये 100 प्लेस वैल्यू तक गया हुआ है तो हमें इसे वापस करना है कितने तक 100 तक, यानी यहाँ पर 200 होगा यहाँ पे 300 होगा। ये बता रहे हैं जो दिया हुआ है उतना रहता है, उससे ज्यादा चलिए 700 होगा या 800, ये 300 होगा या तो 400, इसी तरीके से 200 होगा या तो 300, ये 100 होगा या तो 200। तो बताइए 295, तो देखिए 300 की तरफ बिल्कुल झुका हुआ, तो मैं 5 जोड़ देंगे 300 होगा, तो हमारे कितना हो जाएगा 300 होगा। इसी तरीके से 178 है, ये भी 200 की तरफ झुका हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 और हमारा आंसर कितना है, ये हमारा होगा 3 डिजिट का, यानी 100 की तरफ आओ। अब हमारी जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए डिजिट इस्तेमाल की 4 डिजिट यानी 1000 तक, यानी हमें इसमें राउंड ऑफ करना है कहाँ तक 1000 तक राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 7398, यानी या तो ये 7000 होगा या तो 8000 होगा। इसी तरीके से ये या तो 2000 होगा या तो 3000 होगा। तो आइए देखते हैं कितना होता है 7398 कितना है 7398। अगर ये 500 से कम रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, 700 ही रहेगा। अगर 500 से ज्यादा होता तो 700 से बढ़कर ये कितना हो जाता है 800। तो देखें 388 क्या है 500 से कम है, इस वजह से ये कितना होगा 7000 ही रहेगा। आई बात सुनिए, इसी तरीके से इसमें देखेंगे देखो 500 से ज्यादा है ये क्या हो जाएगा 8000 बढ़ जाएगा। यानी 1000 के बाद अगर 500 से कम होगा तो वही नंबर रहेगा 7000 का, 7000 ही रहा। अगर 500 से ज्यादा होगा जैसे इस केस में 500 से ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा 1000 जो जाएगा 2000 में कितना जाएगा 8000, यानी 7000 माइनस 3000 कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा होगा 4 डिजिट का एस्टिमेटेड डिफरेंस। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन है एम, एम को देखें अगर 29,379,18,000। अब देखिए ये 10,000 की तरफ सॉरी 10,000 प्लेस वैल्यू तक नंबर है 29,379 और यह 10,083 यानी 10,000 प्लेस वैल्यू का है, यानी इसे राउंड ऑफ हमें करना है 1000 में, या तो 29,000 होगा या तो ये 30,000 होगा। इसी तरीके से ये या तो 10,000 होगा या तो 11,000 होगा। अब इधर देखते हैं कि 29,000 आगे 500 से कम है तो वही नंबर यानी 29,000 ही होता है क्योंकि 500 से आगे कम है। इसी तरीके से 10,000 है आगे 500 से कम है, केवल के लिए ये भी 10,000 ही निकल जाएगा यानी 29,000 माइनस 10,000 आ जाएगा हमारा 19,000 आ जाएगा। ये हमारा होगा एस्टिमेटेड आंसर। एस्टिमेटेड आंसर जो होता है एक्चुअल आंसर से थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। आई बात समझे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जितने बाकी सब क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उन्हें होमवर्क पे कर लेंगे और आज
आज आपका ये सिलेबस तक सारा हो जाना चाहिए। तो आज क्लास में बताते हैं।